हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अल्ताफ से एक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बिगनर टू प्रोफेशनल। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि मार्केट जो है अपने एक रेंज में फंसा हुआ है। दोस्तों, वो इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जो इस हफ्ते का जो पहला ही दिन था फ्राइडे वाला, उस दिन अगर दोस्तों हम देखेंगे अगर 21 डेट को, तो मार्केट ने उसी टाइम पर दोस्तों कम से कम अपने 1000 पॉइंट को अचीव कर लिया था। तो उस वजह से दोस्तों कि ये वीक पूरा का पूरा ही मार्केट ने अपने रेंज में ही गुजारा है। और दोस्तों, उम्मीद है अभी कल की जो दिन की जो एक्सपायरी है कल के दिन की दोस्तों, ये इसमें भी दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है ना कि शुरुआत के जो 2 घंटे मतलब 9 बजे से लेके मान लीजिए 12 बजे तक के ये 3 घंटे दोस्तों हमारे ऑप्शन के प्रीमियम को खाया जाएगा। उसके बाद में ही दोस्तों अपना मूवमेंट चालू होगा। वो मूवमेंट दोस्तों कहाँ पर होगा ये ज़्यादा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है दोस्तों, ये मैं अभी आपको पूरा क्लियर करा दूँगा। फिलहाल दोस्तों मैं कल की अगर आज की बात करूं फ्रेंड्स यहां पे, तो देखिए दोस्तों मार्केट जो है यहां पर ओपन हुआ लगभग यहां पर जो उसका ओपनिंग जो दोस्तों प्राइस था 34,765 का, लगभग अगर आज की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 34,900 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, 34,900 से ले कर 34,500 मतलब ये मान लो 400-450 का रेंज है आज का जो पूरी मार्केट जो दोस्तों घूमी है, ये 400-450 पॉइंट के अंदर ही दोस्तों पूरा इसने आज टाइम पास किया हुआ है। ये दोस्तों आज की मार्केट को देखकर यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि कल के दिन में मार्केट एक्सपायरी वाले दिन में मार्केट क्या कर सकती है। इसके लिए दोस्तों मैं चलो यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 1 दिन का कर देता हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो देखते हैं दोस्तों पहले के 1 डे के टाइम फ्रेम में कैंडल ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया और क्या कैंडल बना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन, ब्लू लाइन है दोस्तों हमारी ये 34,500 की लाइन है और जो रेड लाइन है दोस्तों ये हमारी 35,000 की लाइन है, मतलब लगभग 500 पॉइंट की रेंज है फ्रेंड्स। पिछले 3 दिनों से दोस्तों अगर आपको देखने में मिल रहा होगा यहाँ पे 3 दिनों से दोस्तों मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रही है। देखिए आप 500 पॉइंट की रेंज में ही घूम रही है। और दोस्तों मैं अभी जो बता रहा था आपको 21 डेट को मतलब जो जुम्मा का दिन था फ्राइडे वाला, जो इस हफ्ते की जो स्टार्टिंग थी पहला दिन, उसमें दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट देखिए दोस्तों यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बना चुका है। दोस्तों यही वजह है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड में घूम रहा है। अगर दोस्तों मान लीजिए हफ्ते के किसी भी एक दिन अगर मार्केट ये 800 से 1000 पॉइंट वाली कैंडल अगर कोई बना देता है, तो दोस्तों वीक में बाकी दिन जो बचे हुए रहते हैं वो लगभग रेंज बाउंड में ही घूमते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका दोस्तों मतलब सीधा सीधा ये आ रहा है कि हर वीक में एक वीक में दोस्तों जो मार्केट मूव करती है ऊपर या नीचे, ये 1000 से लेके 1200 पॉइंट की मूवमेंट देता है, जिसमें दोस्तों 1000 पॉइंट तो इस कैंडल ने ही मूवमेंट कर दिया है और बचे हुए 200-300 पॉइंट मतलब यहाँ पे मतलब ये मूवमेंट हो रहा है अभी 34,500 से लेके लगभग 35 तक है। तो इसलिए मार्केट रेंज बाउंड में चल रही है। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है ये मैं बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये कैंडल जो बनी है ये भी इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं दोस्तों को, ये भी दोस्तों ये पुरानी कैंडल जो बनी है हमारी 25 तारीख वाली, इसके भी दोस्तों और पिछले 2 दिनों के कैंडल को ये हाई को और लो को दोस्तों इस कैंडल ने अभी तक भी ब्रेक नहीं किया है, अभी भी इसी के अंदर घूम रहा है, इसी को दोस्तों बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। चलिए दोस्तों मैं अभी जल्दी से इसके टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ और इंट्राडे में दोस्तों देखते हैं कि मार्केट ने क्या बनाया है, किस तरह का परफॉर्मेंस किया है और कल हम इसमें क्या प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए यहाँ पर मैंने आपको टाइम फ्रेम को लगभग दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा कर दिया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों आ गया हूँ मैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुका है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ इसका सपोर्ट लेते हुए ऐसा, देखिए फ्रेंड्स एग्जैक्टली अभी मार्केट जो है, देखिए फ्रेंड्स अभी एग्जैक्टली मार्केट दोस्तों जो हमारी दोस्तों यहाँ पे 21 तारीख का जो हमारा सपोर्ट बना था यहाँ पर 34,980 के आसपास का, वहाँ से दोस्तों देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी जो हमें बराबर से विजिबल हो रही है यहाँ पे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ पे निकल के आता है कल के दिन में दोस्तों अगर मार्केट गैप अब भी अगर ओपन होती है तो मेजोरिटी दोस्तों मुझे यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट अगेन डाउन आ जाएगी। और डाउन आने का रीज़न दोस्तों देखो यहाँ पर ये लेवल है 34,850, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे 34,800 और 700
एक मिनट दोस्तों, ये 750। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूँ तो जो एक जोन मुझे नज़र आ रहा है, जो एक बोलते ना दोस्तों यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन, तो दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन दोस्तों यहाँ पर ये ही नज़र आ रहा है मुझे, जो लगभग लगभग दोस्तों यहाँ पे देखो अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये लगभग मान लीजिए 750 से लेकर 850 के बीच में दोस्तों, ये नो ट्रेडिंग जोन। दोस्तों मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट दोस्तों आज के दिन में और पिछले दो दिनों से दोस्तों मार्केट इसी रेंज में भटक रही है, भटक रही है इन द सेंस दोस्तों यहीं पर दोस्तों यहाँ पे मार्केट घूम रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर कि मार्केट दोस्तों इसी रेंज के हिसाब से हमारा जो ये जो लेवल है दोस्तों 34,500 का और 35,000 का लेवल, दोस्तों दोनों ही लेवल अभी भी हमारे लिए वैलिड है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये हमारा जो नीचे ग्रीन लाइन है 34,000 वाला, और बीच में दोस्तों आज ये मैं एक नई लाइन बना दिया हूँ 34,250 के आसपास में, मान लीजिए ये दोस्तों एक हमारी नई लाइन बन रही है। ये दोस्तों ये भी क्यों बन रही है मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ जी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1 आवर में लेके जाता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको दिखेगा ये मार्च महीने का जो है 22-23 तारीख जो 18-19 तारीख यहाँ पे दोस्तों जो सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस जो यहाँ पे फेस कर रहा है कैंडल, वही जोन दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे भी और एक बार इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस का सपोर्ट लिया हुआ है, ये लगभग लगभग 29 अप्रैल की भी कैंडल है। तो ये जो दोस्तों जो ये जोन बन रहा है 34,250-45 के आसपास का दोस्तों, ये जोन हमारे लिए कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर मार्केट दोस्तों ये 34,500 को ब्रेक कर देती है, 500 मतलब इन द सेंस दोस्तों ये 400 के लगभग आसपास में, क्योंकि राउंड फिगर दोस्तों हम कभी पकड़ा नहीं जाता है, 34,400 को अगर दोस्तों ब्रेक करती है तो हमें दोस्तों डाउनफॉल में दोस्तों यहाँ पर 34,200 तक के मार्केट जाती भी हमें नज़र आएगी कल के दिन में दोस्तों। और अगर 200 को भी दोस्तों ब्रेक करती है तो फाइनल जो हमारा टारगेट है ये यहाँ पर है दोस्तों 34,058, मतलब लगभग लगभग 34,000 का लेवल। दोस्तों अभी के कैंडल के हिसाब से मुझे यही समझ में आ रही है, और मुझे जहाँ तक दोस्तों पता है ये जोन को दोस्तों ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये जोन भी दोस्तों इसके लिए कल के लिए काफ़ी मुश्किल है, और ये ट्रेंड लाइन भी एज पर दोस्तों मैं अगर ऑप्शन चेन की बात करूँ तो ऑप्शन चेन में भी दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है कॉल साइड में ये 35,000 के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, ये मैं अभी ऑप्शन चेन में भी आपको क्लियर करा देता हूँ। बट चार्ट पैटर्न दोस्तों मुझे यहाँ पर यही बता रहा है अभी कि 34,500 से लेकर 35,000 ये हमारा रेंज बनेगा दोस्तों, तकरीबन मान लीजिए शुरू के 3 घंटे से लेके 4 घंटे तक के, मान लीजिए शुरू में प्रीमियम ऑप्शन के प्रीमियम दोस्तों मार्केट खाएगा, तो इस बीच में दोस्तों मुझे अगर बोलना है ये तो आप यहाँ पे दोस्तों ट्रेडिंग नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई बड़ी उम्मीद मैं लगा नहीं सकता। जो भी दोस्तों यहाँ पे खेल होगा ये 12 बजे के बाद से चालू होगा, 12-12:30 बजे के बाद, और वहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये 35,400 के लेवल को ब्रेक करे और 34,200 और 34,000 इस लेवल को अचीव करे, ये यहाँ पे संभावना बन रही है। चलिए दोस्तों अभी मैं इसको आपको ऑप्शन चेन के थ्रू से भी बताना चाहूँगा। दोस्तों ऑप्शन चेन खुलेगा तब तक के मैं आपको ये ओपन इंटरेस्ट का जो OI पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा है इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, जो हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, इसे भी दोस्तों हम समझ लेते हैं। दोस्तों इस डेटा के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे क्लाइंट मतलब के रिटेलर, दोस्तों रिटेलर ने दोस्तों पुट में हैवी राइटिंग की है इन द सेंस दोस्तों यहाँ पे पुट मतलब क्लाइंट ने मतलब रिटेलर ने दोस्तों पुट में राइटिंग की है 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग की है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये हो रहा है कि हम रिटेलर को लग रहा है यहाँ पर कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर इन द सेंस दोस्तों 35 तक जाएगी या मे बी 35 को ब्रेक करके और ऊपर जाएगी, ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, हेवी पुट राइटिंग किया हुआ है मतलब रिटेलर लोगों ने, जो कि दोस्तों मुझे लगता है कि ये ट्रैप होने वाले हैं, और वो कैसे दोस्तों मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे FI के डेटा को अगर हम देखेंगे तो FI ने दोस्तों कॉल में 1,52,000 इन्होंने बाइंग किया हुआ है, ये दोस्तों बाइंग किया हुआ है, और पुट में दोस्तों देखोगे तो 1,98,000 दोस्तों पुट में बाइंग किया हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये आ रहा है कि FII का जो भरोसा है ये पुट साइड में ज़्यादा है, इन्होंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है, मतलब FII को दोस्तों मार्केट को नीचे ले जाना है, इनका इंटेंशन साफ साफ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, जो हमारे रिटेलर के बिल्कुल अपोजिट है। और जहाँ तक है दोस्तों मेरा मानना है कि रिटेलर को हमेशा फंसाया जाता है
और उनके पैसे को खाया जाता है FII द्वारा, FII प्रो और DII द्वारा। यहाँ पे दोस्तों तीनों के पोजीशन को अगर मैं देखूँ तो तीनों का पोजीशन दोस्तों यही कह रहा है कि कल के दिन में मार्केट नीचे जाएगी। वो किस तरह से दोस्तों, FII का दोस्तों मैंने तो बता दिया कि FII ने बाय किया हुआ है, उसके वजह से दोस्तों पुट बाय किया हुआ है 1,98,000। इसका मतलब दोस्तों FII का नज़रिया है कि मार्केट नीचे जाएगी। दोस्तों अगर मैं प्रो की बात करूँ, प्रो में दोस्तों अगर पुट साइड में देखूँ जो राइटिंग किया हुआ है प्रो ने, प्रो मतलब प्रोफेशनल लोगों ने, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला वगैरह हो गया, इन्होंने दोस्तों इनका मानना यह है कि पुट साइड में इन्होंने राइटिंग किया 1,13,000। वहीं पे दोस्तों अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल में दोस्तों इन्होंने जो राइटिंग किया हुआ है 1,31,000। मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रो ने भी हैवी जो राइटिंग की है ये कॉल साइड में की है, कॉल साइड में की है दोस्तों राइटिंग। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये दर्शाता है कि प्रोफेशनल लोगों को भी दोस्तों यहाँ पर भरोसा है कि मार्केट कल के दिन में डाउन जाएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्रो लेवल, प्रो जो है प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल लोगों ने भी दोस्तों यहाँ पे कॉल को राइट किया हुआ है दोस्तों। राइट मतलब दोस्तों उनका भी मानना यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। और दोस्तों जहाँ तक कि मैं DII की बात करूँ तो DII ने दोस्तों यहाँ पे कॉल में तो उन्होंने कुछ भी बाइंग नहीं किया है, DII ने दोस्तों पुट में बाइंग किया है। तो DII का मतलब भी दोस्तों FII से बिल्कुल मैच कर रहा है। DII का भी मानना यही है कि मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पे दोस्तों तीन बड़े दिग्गज प्लेयर, इसका मतलब दोस्तों तीन बड़े दिग्गज प्लेयर FII, DII और प्रो, तीनों का मानना है मार्केट कल के दिन में नीचे जाएगी, साफ साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हम रिटेलर लोगों ने क्या किया दोस्तों, रिटेलर लोगों ने उनके बिल्कुल अपोजिट काम किया है। उन्होंने दोस्तों पुट में राइटिंग किया हुआ है, जबकि कॉल में इनको करना चाहिए था बट पुट में किया है। और मेरा मानना दोस्तों यहाँ पर ये है, ये सारे के सारे लोग ट्रैप होने वाले हैं, सारे लोग ट्रैप होने वाले दोस्तों। अगर आप दोस्तों ऑप्शन में थीटा को, अगर आपको पता है थीटा क्या होता है, तो दोस्तों पहली बात आज जिन्होंने भी पुट में राइटिंग किया होगा तो उनका मिनिमम से मिनिमम दोस्तों 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक का उनका प्रीमियम DK मॉर्निंग में ही ओपनिंग में हो जाएगा दोस्तों। वो क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है और साथ में वीकली एक्सपायरी भी है। थीटा को दोस्तों अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखने मिलेंगे, आप वहाँ पर थीटा के बारे में जान सकते हो, जो हमारे बायर का दुश्मन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों मैं साफ साफ बता रहा हूँ, क्लाइंट को ट्रैप किया हुआ है। दोस्तों कंक्लूजन ये आ रहा है कि FII, DII, प्रो तीनों का मानना ये है कि मार्केट नीचे जाएगी और रिटेलर का मानना है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बट दोस्तों बड़े प्लेयर तो FII प्रो है और यही लोग हैं, तो इनके हिसाब से मार्केट चलेगी दोस्तों। और क्लाइंट मतलब रिटेलर लोग कल के दिन में दोस्तों लॉस खाने वाले हैं। तो 12 बजे तक के दोस्तों, 12:30 बजे तक के दोस्तों ये प्रीमियम डिके होगा, उसके बाद में ही चाल ये चलेंगे अपनी, FII अपनी चाल चलेंगे और प्रो लोग भी अपनी चाल चलेंगे, जो मार्केट दोस्तों ये लोग मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे। तो हमें दोस्तों 12 बजे तक के दोस्तों हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम होगा ये टोटल प्रीमियम डीके का टाइम होगा, और 12 बजे के बाद दोस्तों हमें मार्केट में एंटर करना है, ऐसा मुझे लगता है। और उस टाइम के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें पुट में ज़्यादा ध्यान देना है, कॉल में बाय नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, ये हमें OI से हमें पता चला। चलिए दोस्तों अभी हम ऑप्शन चेन को भी रीड कर लेते हैं। दोस्तों तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन की दोस्तों, ऑप्शन चेन हमें ये कहानी बता रहा है। देखो यहाँ पे भी जो मैंने अभी यहाँ पर आपको चार्ट में बता दिया है 34,500 और 35,000, ये दोनों ही लेवल दोस्तों अगर आप देखोगे 34,500 यहाँ पे दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट साइड में, मतलब अपने सपोर्ट साइड में 13.5 मतलब 13,50,000 के आसपास में ये स्ट्रॉन्ग दोस्तों सपोर्ट का काम करेगा। और रेसिस्टेंस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 35,000 पे अगर देखोगे दोस्तों आप कॉल साइड में, तो 19.8 मतलब कि 19,80,000 ओपन इंटरेस्ट यहां पे खड़े हुए। और जहां तक है दोस्तों मेरा मानना है कि पुट साइड से दोस्तों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मज़बूत हमारा कॉल साइड है। इसका मतलब दोस्तों कल के दिन में मार्केट 35,000 को ब्रेक नहीं करेगा, 35,000 को दोस्तों कल के दिन में मार्केट ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट 35,000 के नीचे ही रहेगा। और मे भी दोस्तों हो सकता है, देखिए यहाँ के यहाँ पे अगर आप दोस्तों अगर आप देखोगे 34,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लेवल भी टूटेगा 34,500, वो दोस्तों कैसे वो मैं आपको दोस्तों अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे की तरफ देखोगे दोस्तों 34,200 पे पुट साइड में दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है 6.1 पुट साइड में, अगर दोस्तों अगर हम पुट साइड की बात करें तो 6.1 दोस्तों यहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा है। और इसके दोस्तों अपोजिट में अगर देखूं मैं 1.3, जबकि दोस्तों
34,400 के नीचे सारे के सारे अनवाइंडिंग हो चुके हैं, बट 34,200 पे दोस्तों अभी भी मार्केट में कुछ स्मार्ट प्लेयर बैठे हुए। 1.3 का दोस्तों मतलब ये होता है 130,000, 130,000 दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट 34,200 पे अभी भी बने हुए दोस्तों, आज भी जो दोस्तों कल ये स्क्वायर ऑफ करेंगे मार्केट में। बट इन्हें दोस्तों कहीं ना कहीं पता है कि मार्केट कल के दिन में नीचे जाएगी, इसलिए इन्होंने अभी तक अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। और दोस्तों उसके और नीचे की दोस्तों मैं बात करूँ अगर तो 34,000 पे दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकेंड सपोर्ट बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, जो 13.3 मतलब के 13,03,000 सपोर्ट बन रहा है। और उसके दोस्तों अपोजिट में अगर मैं कॉल साइड में बात करूँ दोस्तों तो 2.8 दोस्तों इन द सेंस मतलब ये हो रहा है कि 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट 34,000 के स्ट्राइक प्राइस पे भी दोस्तों अभी तक यहाँ पे प्रॉपरली खड़े हुए हैं। तो ये 34,000 का जो लेवल है दोस्तों कॉल साइड में 2.8 और 34,200 का जो लेवल है दोस्तों इसमें कॉल साइड में 1.3, ये यहाँ पे दोनों पे दोस्तों अभी भी पोजीशन कॉल साइड में मुझे दिखाई दे रही है। इस पोजीशन को देखते हुए दोस्तों मुझे यहाँ पे ये मेरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 34,500 का भी लेवल दोस्तों कल के दिन में हमें टूटता हुआ नज़र आ सकता है। और जब ये टूटकर दोस्तों नीचे जाएगा तो जो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा दोस्तों 34,200 के नियर आसपास का बनेगा। जब मार्केट दोस्तों 34,200 पे आ जाएगी तब दोस्तों ये 34,000 के लेवल पे जो अभी भी जो 2.8 जो ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए ये सारे के सारे स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, ये अपने प्रॉफिट ले लेंगे जो अपने मेन सेलर लोग हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगी और 34,400 से 500 के बीच में मतलब 34,400 से लेकर 600 के बीच में मान लीजिए दोस्तों, इसी बीच में दोस्तों मार्केट क्लोज हो जाएगी, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों अभी कि मैंने क्या बताया अभी आपको, 34,500 का लेवल कल के दिन में टूटेगा ऐसा मेरा मानना है। वो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 34,200 और 34,000 पे अभी भी अपने ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए कॉल साइड में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों चलते अगेन अपने चार्ट की तरफ। दोस्तों तो आ गए हम अगेन अपने चार्ट की तरफ। तो दोस्तों चार्ट की दोस्तों मैं मानूँ जैसा मैंने बता दिया था आपको, ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट जो ओवाई पार्टिसिपेंट वाइज ओवाई जो मैंने बताया अभी आपको, और यहाँ पे चार्ट में भी दोस्तों मैंने बता दिया है, सारा का सारा दोस्तों इंडिकेशन यही दे रहा है कि 34,500 का कल के दिन में दोस्तों ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 35,000 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है। बट दोस्तों 34,500 का जो लेवल है ये टूटने के आसार भी हमें नज़र आ रहे हैं एज़ पर ऑप्शन चेन। अगर दोस्तों ये टूटता है, अगर दोस्तों ये 34,500 का लेवल टूटेगा कल मार्केट में तो दोस्तों अगला जो लेवल आएगा हमारा ये 34,245 का, जी हाँ दोस्तों ये आएगा, और इसके बाद में 34,000 का, क्योंकि दोस्तों यहाँ दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पे अभी भी दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर अपने पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो मार्केट को दोस्तों ये लोग नीचे लेकर ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। सीखने अगर मिला होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आपके सपोर्ट के साथ। टिल देन गुड नाइट, शब्बा खैर एंड स्वीट ड्रीम। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड स्वीट ड्रीम।